दोस्तों भारत ने पहले रोहित शर्मा और सुमन गिल के शतक की बदौलत बना दिए थे 50 ओवर में 385 रन। न्यूजीलैंड के सामने लक्ष्य था 386 का। लगभग 40वें ओवर में भारत की हार हो गई थी पक्की, लेकिन रोहित शर्मा की चतुराई से शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने पलट दिया हारा हुआ मैच। तो दोस्तों रोहित शर्मा सुमन गिल की शतकीय पारी के साथ शार्दुल ठाकुर कुलदीप यादव की गेंदबाजी तो आपको बताएंगे, तो हाईलाइट देखने के लिए बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज इंदौर में खेला गया, जहां होलकर स्टेडियम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और सुमन गिल के शतक और हार्दिक पांड्या के तेज अर्धशतक की बदौलत 385 रनों का स्कोर बनाया और न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 386 रन बनाने थे। हालांकि हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। टॉम लैथम का यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि रोहित शर्मा और सुमन गिल ने पहले संभलकर खेला और बाद में तेजी से बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग में दोहरी शतकीय साझेदारी की, जहां रोहित शर्मा ने कुल मिलाकर 1101 दिन बाद वनडे में अपना शतक पूरा किया। तो वहीं हम आपको बता दें कि 212 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा था जब रोहित शर्मा 85 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए और यहां पर उनको माइकल ब्रेसवेल ने बोल्ड आउट किया। और दोस्तों रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 9 चौके और 6 बड़े छक्के भी लगाए, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं रोहित शर्मा के आउट हो जाने के तुरंत बाद ही उनके साथी बल्लेबाज सुमन गिल भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए, जो कि 112 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनको ब्लेयर टिकनर ने डेवन कॉनवे के हाथों कैच आउट करवाया। और दोस्तों टीम इंडिया के ये दो बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय टीम को 400 रनों के स्कोर तक पहुंचना था किसी भी हाल में। लेकिन यहां पर विराट कोहली, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बल्ले से हम सभी को वो प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिला जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा था। यहां पर विराट कोहली ने 36 रन बनाए तो वहीं ईशान किशन 17 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और सूर्य कुमार यादव ने 14 रनों की पारी खेली। और ये 5 बड़े झटके अब टीम इंडिया को लग चुके थे, वो भी बस मात्र 293 रन के कुल स्कोर पर। लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को 350 रनों के पार करवाया। और इस बीच हार्दिक पांड्या ने जहां 38 गेंदों में 3 छक्के और 3 चौकों की बदौलत 54 रनों की पारी खेली, तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने 17 गेंदों में 25 रन बनाए और जिसके चलते भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 385 रन बना पाने में कामयाब हो सकी। अब न्यूजीलैंड की टीम के सामने लक्ष्य था 386 रनों का। एक समय पर तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि 386 रन न्यूजीलैंड की टीम बना नहीं पाएगी, लेकिन जब न्यूजीलैंड की पारी शुरू हुई तो यहां पर फिन एलन और डेवन कॉनवे ने यहां ओपनिंग की। लेकिन दोस्तों यहां पर पहला बड़ा झटका पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर न्यूजीलैंड को लगा, जो कि हार्दिक पांड्या ने फिन एलन को आउट किया। जी हां दोस्तों, यहां पर फिन एलन 2 गेंदों में मात्र 0 रन पर ही पवेलियन लौटे और टीम इंडिया को पहली बड़ी सफलता हाथ लगी। और फिन एलन के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे हेनरी निकलस, जहां डेवन कॉनवे और हेनरी निकलस के बीच अच्छी साझेदारी हुई और इस बीच स्कोर देखते ही देखते 106 रन तक पहुंच चुका था। लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम यहां से वापसी करने की फिराक में है, लेकिन यहां पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने हेनरी निकलस को चलता किया, जो कि 40 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए और इनका विकेट गिर जाने के बाद न्यूजीलैंड की पूरी टीम बिखर गई, क्योंकि यहां पर डेवन कॉनवे और डैरिल मिचेल बस मात्र मिलकर 78 रनों की साझेदारी तो कर देते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों डैरिल मिचेल के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है, जो कि 24 रन बनाकर आउट हुए। और दोस्तों ये विकेट गिर जाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से बौखला जाती है, क्योंकि यहां पर एक के बाद एक उनकी बल्लेबाज अपने विकेट गंवाते चले जाते हैं, जहां अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर डैरिल मिचेल को आउट करने के बाद टॉम लैथम का भी विकेट चटका देते हैं और यहां पर वो पहली गेंद पर पवेलियन लौटे। और यहां पर टॉम लैथम के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे ग्लेन फिलिप्स, जहां ग्लेन फिलिप्स भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए और 7 गेंदों में 5 रन की पारी खेल आउट हुए और यहां पर शार्दुल ठाकुर ने उनको कैच आउट करवाया विराट कोहली के हाथों। तो वहीं फिर माइकल ब्रेसवेल और डेवन कॉनवे से काफी उम्मीदें होती हैं कि ये दोनों ही न्यूजीलैंड को अंतिम ओवर तक लेकर जाएंगे, लेकिन यहां पर डेवन कॉनवे के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को छठा सबसे बड़ा झटका लगता है, जहां 138 रन बनाकर डेवन कॉनवे आउट हो जाते हैं। और दोस्तों अपनी 138 रनों की पारी में वो 12 चौके और 8 बड़े छक्के भी लगाते हैं, जहां आप सभी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों यहां पर उमरान मलिक उनको रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और ये सबसे बड़ा विकेट होता है, जो कि टीम इंडिया को चाहिए होता है मैच किसी भी हाल में जीतने के लिए। हालांकि दोस्तों डेवन कॉनवे के आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर उतरते हैं माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सैंटनर, जहां ये दोनों ही अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा पाते हैं। उससे पहले ही माइकल ब्रेसवेल को कुलदीप यादव अपने जाल में फंसा लेते हैं और वो ईशान किशन के हाथों उनको
स्टंप आउट करवा देते हैं, जिसके चलते माइकल ब्रेसवेल यहाँ पर 26 रन ही बना पाए। और माइकल ब्रेसवेल के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे लॉकी फर्ग्यूसन भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए और 7 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे, जिसके चलते भारतीय टीम ने पूरी तरह से इस मुकाबले में अपना दबदबा बना के रखा और मिचेल सैंटनर भी बेचारे अकेले क्या ही कर पाते। और भारत ने ये मुकाबला शानदार तरीके से जीता और इस मैच को जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने 3-0 से वनडे सीरीज को अपने नाम कर लिया है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी शानदार जीत को देखने के बाद, और आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं फिर शुभमन गिल ने 112 रन बनाकर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम निराशजनक प्रदर्शन तब कर बैठी जब ये दोनों बल्लेबाज आउट हो गए और फिर मैदान पर उतरे विराट कोहली, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, और इन तीनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जी हां, यहां पर विराट कोहली 36 रन बनाकर ही आउट हुए, तो वहीं ईशान किशन ने 17 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव 2 छक्के तो लगा चुके थे लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 14 रन ही बना पाए, और इसके चलते भारतीय टीम मुसीबत में आ चुकी थी। और एक समय पर लग रहा था कि टीम इंडिया 400 के करीब पहुंचेगी, वही टीम इंडिया अब 300 रन तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों में पड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या ने पूरा मैच पलट कर रख दिया। जी हां, शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने यहां खूब तूफानी बल्लेबाजी की, जहां हार्दिक पांड्या ने 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले के 46 ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगाकर यहां एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जी हां, हम आपको बता दें कि जैकब डफी यहां पर अपनी गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या को उतरे तो आउट करने के लिए थे, लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या ने 26 रन बनाकर उनके हौसलों को तोड़कर रख दिया। और इस बीच हार्दिक पांड्या ने एक ऐसा बड़ा इतिहास रच दिया वनडे क्रिकेट में, जो कि आज तक एवी डिविलियर्स, क्रिस गेल जैसा बल्लेबाज भी नहीं कर पाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने आज जैसे ही 54 रन मैदान पर ढोके तो उन्होंने अपने वनडे क्रिकेट करियर के 1518 रनों को पूरा कर लिया, बल्लेबाजी के रिकॉर्ड को भी अपने नाम किया। जी हां दोस्तों, 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या ने 113.28 की स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया, जो कि किसी भी आम तौर पर बल्लेबाज द्वारा की गई सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाती है। वो धीरे धीरे दबाव अपने ऊपर महसूस कर रहे थे। एक समय ऐसा था रोहित ने 70 गेंदों में 92 रन बना दिए थे, लेकिन यहाँ पर धीमे धीमे बल्लेबाजी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, और जब वो 99 रन पर खेल रहे थे तो उस बीच वो जैकब डफी की गेंद पर लगभग टॉम लाथम को कैच थमाई बैठे थे, लेकिन यहाँ पर वो जैसे तैसे बच गए। और फिर अब उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आखिरकार शुभमन गिल ने उनसे ऐसा क्या कहा जिसके बाद उनका शतक पूरा हो पाया। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।